हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आज दी इस वीडियो दे विच आपां दो चैप्टर, पहला चैप्टर 10 लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन अते दूसरा चैप्टर ह्यूमन आई चैप्टर नंबर 11। तो बच्चे आज आपां इन्हां दो चैप्टर दे नैस नाल संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करांगे। तो आओ शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चे, पहला चैप्टर जिहड़ा आपां करन जा रहे हैं उहदा नाम है चैप्टर 10 लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ जी बच्चे, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन्ड व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस। तो जदों बच्चे लाइट किसी चमकदार सतह ते पैंदी है तो की हुंदा? ऑप्शन ए रिफ्लैक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेरी स्मॉल साइज ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट देन विच इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। तो बच्चे जे प्रकाश दे राह दे विच आपां कोई वस्तु रख दिए जिहड़ी कि ओपेक होवे, तां ओपेक किहड़ी वस्तु हुंदी है? अपारदर्शी वस्तु रख दिए तां की होएगा? तेरा सही जवाब क्या जाएगा? एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन ए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन लाइट एंटर्स इन डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयरर मीडियम इट स्लाइटली चेंजेस इट्स पाथ, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड। हाँ जी, का सही जवाब क्या जाएगा? रिफ्रैक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिरर कॉल्ड हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिरर कॉल्ड हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड। इसका सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? पोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड। ऑप्शन बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच लाइट रेज मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए प्रिंसिपल फोकस। हाँ जी बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, द पोजिशन ऑफ इमेज इज एट। तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन ए एट फोकस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज। ऑप्शन ए वेरी स्मॉल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी ऑफ अ कॉनकेव मिरर देन व्हाट विल बी नेचर ऑफ इमेज
फॉर्म्ड। तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे, वर्चुअल एंड स्ट्रेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी टीथ ऑफ पेशेंट। तक सही जवाब किएगा कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे, ऑप्शन डी, टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज एट एफ बिहाइंड द मिरर, ऑप्शन बी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज। हाँ जी बच्चे, का सही जवाब किया जाएगा वर्चुअल एंड स्ट्रेट, ऑप्शन ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज बैक व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे, ऑप्शन टू, कॉन्वेक्स मिरर। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन कन्वेंशंस यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एट द राइट साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन ए, पॉजिटिव। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेंसिल कैप्ट इन ग्लास बाउल अपीयर्स बेंट ड्यू टू। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो सही जवाब किन्ना है, ऑप्शन डी, 1.0003। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सबस्टांस हैव मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सही ऑप्शन की है, ऑप्शन सी, डायमंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी यूज टू लाइट अ फायर फ्रॉम सनलाइट। हुण बच्चे इस क्वेश्चन दे विच देखो भी आपां की चीज़ बर सकते हैं सन तो, जिहड़ा है आपां सनलाइट तो आपां फायर लगाउण लई। तां इहदे बच्चे वैसे दो जवाब बनते हैं, एक तो है ऑप्शन ए, कॉन्वैक्स लेंस, अते बच्चे आपां ऑप्शन फोर वाली कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर भी जिहड़ा है लाइट नूं एक जगह ते इकट्ठा कर दिंदा है, तो आपां कॉनकेव मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। हाँ जी, लेंस दी पावर दे लई केड़ा फॉर्मूला होंदा बच्चे, ऑप्शन बी, पी इज इक्वल टू 1/f। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। हाँ जी, लेंस दी पावर दा यूनिट केड़ा होएगा, डायोप्टर, ऑप्शन सी।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन डी 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन अ लाइट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ लेंस? तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन बी इट पासिस स्ट्रेट। हाँ जी बच्चे, अगला चैप्टर जिस दे अज आपां नैस नाल संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने ने, वो है ह्यूमन आई। तां पहला क्वेश्चन देखो, अ ह्यूमन आई कैन फॉर्म शार्प इमेजेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइंग एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस ऑन द रेटिना। दिस इज डन ड्यू टू। तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन डी एकोमोडेशन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, यह सही जवाब की है ऑप्शन सी रेटिना। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल आई ऑफ एन एडल्ट इज, हाँ जी का जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, इसका जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी सिलरी मसल्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ह्यूमन आई इज एबल टू फॉर्म द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट पोजीशंस, दिस इज ड्यू टू, तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन बी एकोमोडेशन। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय, इसका सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन सी कॉनकेव लेंस। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज, तो इसका बच्चे सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी 5। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वाइट लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास प्रिज्म, द लीस्ट डेविएटेड कलर इज, तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन डी रेड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्टेबल फोकल लेंथ कैन करेक्ट, इसका सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? लॉन्ग साइटेडनेस, ऑप्शन बी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कंट्रोल्ड बाय, तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? सिलरी मसल्स, ऑप्शन सी। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, तेरा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ वाटर ड्रॉपलेट।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कलर्स हैज द लीस्ट वेवलेंथ? तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन डी, वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर विच डेविएट्स द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज? तेरा सही जवाब क्या बच्चे? ऑप्शन डी, वायलेट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, नियर पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस इज? हाँ जी, दा सही जवाब क्या जाएगा? ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज? तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन ए, डिस्पर्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 50 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज इन हिज स्पेक्टिकल्स शुड बी? तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ? ता सही जवाब क्या बच्चे? था इधर सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म टेक्स प्लेस बिकॉज? इधर सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन थर्ड, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म। इट इज एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल, इट्स वन एंगल मस्ट बी 90, द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस मस्ट बी इनक्लाइंड टू ईच अदर। ऑप्शन डी, नन। तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन डी। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कलर्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट इज इन द ऑर्डर ऑफ? हाँ जी, तेरा सही जवाब क्या बच्चे? ऑप्शन बी, विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम विजिबिलिटी? तेरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन बी, येलो, ग्रीन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट विच इज डेविएटेड द मोस्ट बाय अ प्रिज्म इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इज? सही जवाब क्या जाएगा बच्चे इसका? ऑप्शन डी, वायलेट। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट प्रिज्म। अ प्रिज्म इज यूज टू डेविएट लाइट, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एकोमोडेशन एज अप्लाइड टू द आई रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू? ऑप्शन सी, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एन आई कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ। तेरा सही जवाब क्या बच्चे? ऑप्शन सी, कॉर्निया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा बच्चे? बिफोर रेटिना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू, हाँ जी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द प्यूपिल व्हेन आई फेसेस ब्राइट लाइट। इसका सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन बी, साइज ऑफ प्यूपिल डिक्रीजेस। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ह्यूमन आई विच कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट cannot see the near objects clearly is said to be suffering from which defect। तो इसका सही जवाब किया बच्चे? ऑप्शन ए, hypermetropia। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ अ यंग पर्सन नॉर्मल आई रिस्पेक्टिवली आर। तो इसका सही जवाब क्या बच्चे? ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैनॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज, ऑप्शन डी, लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। हाँ जी, इस तो बाद बच्चे देखो अगला क्वेश्चन, फिगर ए बी सी रिस्पेक्टिवली इंडिकेट द पॉइंट इन केस ऑफ। हाँ जी, पहली फिगर देखो बच्चे कि ये नॉर्मल आई है, ऑप्शन बी दे विच केड़ी आई है, ये ऑप्शन बी दे विच ये है हाइपरमेट्रोपिक आई, ते ऑप्शन सी दे विच केड़ी है बच्चे ये मायोपिक आई। तो इन सारिया ऑप्शन दे विचों सही ऑप्शन केड़ी है? ऑप्शन सी, पहली है द नॉर्मल आई, दूसरी द हाइपरमेट्रोपिया आई, तीसरी है मायोपिक आई। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, ऑप्शन सी, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गॉट हिज आई टेस्टेड, द ऑप्टिशियन प्रिस्क्रिप्शन फॉर द स्पेक्टिकल्स वॉज लेफ्ट आई -3 diopter, राइट आई -3.5 diopter, द पर्सन इज हैविंग अ डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड। हाँ जी, केड़ी होगी? ऑप्शन बी, मायोपिया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड द ओडोमीटर ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कार बट इज एबल टू क्लियरली रीड अ डिस्टेंट रोड साइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस मैन। तेरा सही जवाब किया बच्चे? द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे। तेरा सही जवाब है ऑप्शन ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बोथ आईज ओपन अ पर्सन्स फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट। हाँ जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 180 degree। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
In which of the following cases will no dispersion take place when sunlight passes through it? हाँ जी, इन्हां दे विचों किस दे विच dispersion नहीं होएगी? ओ केड़ी है बच्चे? ओ है option B, glass slab. हाँ जी बच्चे, next question देखो. A, astigmatism usually is caused by an irregularly shaped cornea. B, rainbow is the natural phenomena in which dispersion takes place. तो इन्हां दे विच्चों बच्चे केड़ियां स्टेटमेंट्स ने जड़ियां ठीक ने? तो सही जवाब है बोथ ए एंड बी आर ट्रू स्टेटमेंट्स. तो सही जवाब है ऑप्शन ए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. हैविंग टू आईज फैसिलिटेट्स इन ए इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू, बी ब्रिंगिंग थ्री डायमेंशनल व्यू, सी डिवेलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस साइज. तो इन्हां दे विच्चों सही ऑप्शन है जिहड़ी वो है बच्चे ऑप्शन डी, कि ए बी ते सी तिन्ने स्टेटमेंट ने जिहड़े वो ठीक ने. हाँ जी बच्चे, ए सी अपने दो चैप्टर, एक तो लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो दूसरा चैप्टर जिहड़ा आपां हुण कीता हैगा ये हैगा ह्यूमन आई. तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि तुसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस दे जिहड़े भी सही जा सही आंसर ने उन्हां दे उपर तुसी टिक लगा ले होणगे. तो कल नूं तुहाडा जो साइंस विषय का इम्तिहान होने वाला है जिस दे विच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउणगे, उम्मीद करते हैं तुसी उन्हां पेपरां दे विच भी बहुत चंगे नंबर लैके पास होवोगे. तो बच्चे अज की इस वीडियो नूं ध्यान नाल देखण दे लई तुहाडे सब का बहुत बहुत धन्यवाद.